सिलाई तो नहीं आ रही है, धागा क्यों जमा हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक खास बात है, आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो हमारे सभी दर्शकों को ये नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और ख़ास करके दोस्तों, आज एक और एक ख़ास बात है कि हमारे ये सेल्फ रिपेयर चैनल को सब्सक्राइबर ने 500 की संख्या पार कर दी है, और ये हमारे लिए, हमारे टीम के लिए बहुत खुशी की बात है। इतने कम समय में आपके कोऑपरेशन के बिना ये नहीं हो पाता था। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, वो सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद, और उन्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सभी ये साल अच्छे काम के लिए हो जाए, और सेल्फ रिपेयर का नाम ऐसे ही बढ़ाएंगे आप, ये उम्मीद रखते हुए आपको बधाई देता हूँ। दोस्तों, अभी जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारा धागा यहाँ जमा हो गया है। ये कपड़े का निचला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ जो इतना धागा जमा हो रहा है, वैसे तो ये प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ा है, मगर हल करने में एकदम आसान है, क्योंकि इसका तरीका ही एकदम सीधा साधा है। जो ये धागा है, ये धागा हमने कैसे वाइंड किया है, ये हमें देखना है। तो पहले हम कपड़ा यहाँ से निकाल के पहले धागा चेक करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई दर्शकों ने हमको पूछा है कि हमने धागा तो बराबर वाइंड किया है, नीचे का धागा देखो बराबर आ रहा है, वो भी बराबर हो गया, तो ये क्या प्रॉब्लम है? कि अच्छी खासी मशीन चल रही है, कहाँ जॉइंट नहीं, ये अपना हार्ड नहीं आ रही है, चलाने में आसान है, तो ठीक है, हम लोग ये एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। ये तो है बराबर। अभी आपको ये देखना है कि ये जो टेंसिल है, ये टेंसिल एरिया है, यहाँ कुछ फंसा है क्या, हमें देखना है। और दूसरा बात है कि इसका टेंशन सही है क्या। पहले तो हम इसका टेंशन चेक करेंगे। ये धागा यहाँ से खींचेंगे, देखो बिल्कुल धागे के ऊपर टेंशन कम है। ऐसे कम टेंशन में, या तो ये टेंशन है ही नहीं ऐसे समझो, ऐसे कम टेंशन में नीचे का सिलाई खराब आना ही है। इसके लिए हम लोग ये स्क्रू टाइट कर देंगे। ये स्क्रू टाइट करने के बाद इसका टेंशन थोड़ा थोड़ा सा टाइट करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं, देखो और थोड़ा और थोड़ा, जो हमारे अंदाज से है हम लोग रख सकते हैं उसे। अभी हम लोग ये देखो थोड़ा सा और चाहिए, इसके लिए ये हो गया, ये धागा, ये टेंशन बराबर है। ये हमेशा की तरह अभी हम लोग सुई में डालेंगे। धागा भरने के बाद अभी हम मशीन को चालू करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ये तो हम लोग का धागा जमने वाला प्रॉब्लम है। देखो अभी चालू करेंगे, इसके बाद ये हमारा प्रॉब्लम था नीचे, तो फिर भी हम लोग ऊपर देखना ही है, ऊपर का सिलाई अच्छा होना ही है, साथ साथ नीचे वाला सिलाई भी देखो। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सिलाई है, और हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसका सिलाई इधर है, देखो ये प्रॉब्लम वाला, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो कितना, 1-2 मिनट का काम है सिर्फ। ऐसा होने के बाद बहुत बार लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही करना है कि ये टेंशन पहले देखना है, अगर टेंशन बराबर है तो और एक प्रॉब्लम आता है। ये स्क्रू आपको यहाँ दिखेगा मगर धागा लूज आएगा, ऐसे में यह समझ लो आप कि ये टेंसिल का जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है,
इसके अंदर कचरा जमा हो सकता है। तो आप ये स्क्रू निकालो, टेंशन निकालो, या तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ ऐसे करके ज़ोरदार हवा मार दो इसमें, यह एकदम आसान है। ये तो ये स्क्रू निकालो, प्लेट निकालो, क्लीन कर दो, फिर इसी टेंशन में जोड़ दो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतना सिंपल है ये प्रॉब्लम। इसके बाद भी हमें बहुत सारे वीडियो डालने हैं दोस्तों। जैसे आपने अभी तक हम लोग को कोऑपरेट किया है, हमारे दर्शकों ने, हमारे सब्सक्राइबरों ने जैसे भी कोऑपरेट किया, ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछते रहो तो हम लोग आपके जवाब देते रहेंगे, उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनेंगे। और हमारे जो हमें जो फिक्स किया है कि इसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी देना है, वैसे भी वीडियो निकालते जाएंगे। ऐसे ही आप देखते रहो और हमें सब्सक्राइब करते रहो। अभी तक जो आपने हमारा ये वीडियो देखा है, इसके लिए सेल्फ प्रिपेयर टीम की तरफ से आपको धन्यवाद।